तो गाइस अभी हम लोग बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर क्वार्टर वन का रिजल्ट निकल के आया है और ये क्वार्टर वन का रिजल्ट कुछ खास अच्छा नहीं है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर। और साथ ही साथ एनालिसिस्ट जो एस्टिमेट किया कर रहा था उस एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाया है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और अभी इन्वेस्टर के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि क्या अभी सही टाइम है रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर इन्वेस्ट करना या फिर हमको रिलायंस इंडस्ट्रीज से दूर ही रहना चाहिए, क्या कुछ टारगेट निकल के आ रहा है, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना एंड ऑल्सो इन फ्यूचर रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो जियो के बारे में और ज़्यादा अपडेट पाने के लिए ज़रूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। तो अभी फिलहाल के लिए मिंट की तरफ से एक रिपोर्ट निकल के आ रहा है जिसमें कि एक रिसर्च एनालिसिस्ट अभिषेक दत्ता जी का क्या कहना है इसी क्वार्टर वन रिजल्ट के बाद, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उनका ये मानना है कि अभी इस क्वार्टर वन के अंदर हायर एक्सपेंसेस के चलते अभी अर्निंग का जो एस्टिमेट किया जा रहा था एनालिसिस्ट के द्वारा उस एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाया है रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टॉक ने। उसके साथ ही साथ अभिषेक दत्ता जी ने पॉइंट आउट किया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी क्वार्टर वन के अंदर इबिटा बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि लगभग 220 बिलियन रुपीस के आसपास है, जो कि फिलहाल के लिए 51% क्वार्टर ऑन क्वार्टर अप है। उसके अलावा अभी उनका ओ टू सी इबिटा अभी फिलहाल के लिए रुपीज़ 194 बिलियन रुपीज़ के आसपास है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 35% अप है। उसके साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज रिमेन वेल प्लेस्ड टू बेनिफिट फ्रॉम हायर जीआरएम ग्रॉस रेवेन्यू मार्जिन इन टच एनर्जी मार्केट एज यूरोपियन यूनियन बैंस द इम्पोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम सी वाई 23 मीन्स गैस इबिटा वाज रुपीज़ 27.1 बिलियन रुपीज, जो कि 79% क्वार्टर ऑन क्वार्टर अप है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का गैस बिजनेस के अंदर हमको क्वार्टर फोर के अंदर वॉल्यूम देखने को मिला था, गैस का वॉल्यूम देखने को मिला था 19 MMSCMD देखने को मिला था। और रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी टारगेट कर रहा है गैस वॉल्यूम 30 MMSCMD अभी वो टारगेटिंग कर रहा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 से पहले पहले हमको देखने को मिलेगा। तो मोटा मोटी आप देख ही सकते हो कि एनालिसिस के द्वारा अभी पॉजिटिव ही रेटिंग, एनालिसिस के द्वारा एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया, मगर फिर भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर अभी पॉजिटिव ही मोमेंटम दिख रहा है ऑलमोस्ट सारे एनालिसिस के द्वारा। और अभिषेक दत्ता जी ने भी बाई रिकमेंडेशन दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टॉक के अंदर। तो फिलहाल के लिए हम लोग टेक्निकल चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न के अंदर हमको यहाँ पे 2560 रुपीज के आसपास एक तगड़ा वाला रेजिस्टेंस दिख रहा है और फिलहाल के लिए ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर बीच में लटका हुआ है। तो अगर ये मार्केट में गिरावट होता है तो फिर से गाइस हमको लगभग लगभग 2422 रुपीस के आसपास ये शेयर गिरते हुए हमको दिख सकता है। और साथ ही साथ अगर मार्केट का मोमेंटम अपसाइड होता है तो फिर से हमारा द्वारा दिया गया जो फर्स्ट टारगेट होगा 2560 रुपीस के आसपास, हमारा ये फर्स्ट टारगेट बहुत ही जल्दी अचीव होगा। मगर मुझे नहीं लगता है कि सोमवार के दिन ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक अपसाइड मोमेंटम चालू करेगा, फिर से नेगेटिव मोमेंटम आना चालू हो जाएगा और साथ ही साथ धीरे धीरे करके ये शेयर गिरते गिरते लगभग 2424 रुपीज़ के आसपास गिर सकता है। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा एंड ऑल्सो इन फ्यूचर रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में और ज़्यादा अपडेट पाने के लिए ज़रूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा।